Ladies and gentlemen, very warm welcome to module 170. Here, I am going to discuss the strategic thinking. Whenever the word strategic thinking comes in, we must have to ask two questions. One is why strategic thinking is required, and what type of strategic thinking is required for the business planning. कहा कि ह्यूमन क्या है उसने कहा आई डाउट इन ग्रीक एंड अगर दूसरे तरीके से देखें इंसान इंसान का अलिफ हटा दें तो नस्यान बना नस्यान भूल से अच्छा यहां तक देखें कि भूल जब आएगी तो फिर आपका प्रोसेस भी आएगा यानी किसी सोचने के प्रोसेस में आपने किसी चीज को एक मेमोराइज कर लिया और एक सिस्टम बन गया एक स्ट्रक्चर बन गया अच्छा आपने देखा होगा कि आपके थिंकिंग प्रोसेस के अंदर बड़ी तब्दीलियां आ रही उनमें आप ये देखते हैं कि आपने जो सोचा उसका प्रोसेस लिया उसको एवेलुएट किया एवेलुएट करके आपने उसको मेमोराइज अब नहीं करना मेमोरी की चिप्स के अंदर भी एक नई बातें आ रही हैं और जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक नया सिग्निफिकेंट दौर आने वाला है

बट इतनी लंबी आपके जो है वो मामला जो हैं बैक एंड से वो चलने चाहिए जरूरी हैं रिक्वायर्ड हैं नहीं आपको पत्थर की शनाख्त होनी चाहिए लेकिन आपको 700 पत्थर टोटल हैं उन के नाम याद हो जरूरी नहीं आप एक हीरे में काम कर रहे हैं एक हीरे को पहचानना है आपने उसको उसकी तलाश होनी चाहिए जरकून है तो जरकून की तलाश होनी चाहिए एमरल्ड है तो एमरल्ड की तलाश होनी चाहिए फिरोज़ है तो फिरोजे का पता होना चाहिए तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि दस हजार पत्थरों का आपको पता होगा कानकुनी के माहिर होंगे कोयले के अंदर से आने का माहिर होंगे तो आपको जाके पता चलेगा सो दिस इज आई मीन यूजलेस नॉलेज सम टाइम द सो मेनी इंफॉर्मेशन बिकम द यूजलेस बट द डायरेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अब हम उस पर आते हैं कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इज क्रिटिकल फॉर द बिजनेसमैन क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है बिजनेसमैन नॉर्मली जो है वो प्रॉफिट एरियाज के ऊपर सोचता है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता वो सोचता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक साइकिल की दुकान कामयाब है तो उसके साथ वाली साइकिल की दुकान ही होगी एंड देन आपने देखा होगा तो ऑन द सेम रो आपने देखा होगा कि सब के सब एक ही बस के ऊपर सवार है. तो सब ने साइकिल की दुकान लगा दी नीला गुंबद बन गया फिर पता चलता है कि आपने टायर की दुकान लगा दी साथ वाले की भी टायर की है उसके साथ वाली भी टायर किए तो सारे ही उस तरह शुरू हो गए सो गैप एनालिसिस कहां से आएगा हाँ कुछ अगर मेरी तरह के सोचने वाले होते तो कहें जी, अगर कह इतना मैस है मार्केट के अंदर चने की दुकान लगा ली जाए तो ज्यादा बेहतर है तो सारे जो टायर लेने वाले आएंगे वो चने जरूर खाएंगे तो दस दट जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बट हमने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसे करनी या तो उन्हीं टायर की दुकान साइकिलों की दुकान या फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री चल रही है तो सारे ही एंब्रॉयडरी वाले शुरू हो गए अगर उस दौरान के अंदर आप उसके अंदर थोड़ी सी इनोवेशन ले आते हैं तो इनोवेशन क्यों नहीं होती जहां मैंने कहा पॉलिटिकल एडवोकेसी का मामला आ जाता वहां अगर आप सबसे बात करें यूनाइट करें आप जो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम तो किसी दूसरे बिजनेसमैन को बताते ही नहीं है जब तक हमारा शुरू ना हो जाए और जो प्रोडक्ट हमारी लॉन्च ने सेम प्रोडक्ट भी हम लॉन्च कर रहे होते लेकिन अगर हम बात कर लें कि आप क्या डिज़ाइन करते हैं हम क्या डिज़ाइन करेंगे हम जरा अलग कर लेंगे तो दोनों की मार्केट अलग तरीके से बन जाएगी लेकिन हम इस तरह नहीं सोचते इसको स्ट्रेटेजिक दो पार्ट्स होते वंस वी वी आर डन विद द एनालिटिकल रिसर्च तो हमें पता होना चाहिए उसके अंदर हम पूरे सराउंडिंग की आ, टेस्टिंग लेंगे अब जब हमारा टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी मार्केट कैसी है तो दो क्वेश्चन आएंगे वाइज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बाई इंग एवरी डे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन योर वर्क और द लाइफ रूटीन यूल द स्किल एंटिस फोरकास्टिंग एंड कैपिटेलाइजिंग ऑन दुनि उसके अंदर uh, मुख्तलि आप उसको लॉन्च करते हैं डिजिटाइजेशन है, है आपने कितने जॉब को डिजिटाइज करना है ऑप्टिस्ट ऑप्टन करनी है कि कहां तक करनी है एंड देन वॉट स्ट्रेटेजिक्लानो हमें हर तरह का चाहिए नहीं क्या हर बिजनेस को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक आदमी चाहिए जरूरी नहीं क्या अगर आपकी अपनी कर, ओनर की अकाउंटिंग अच्छी है तो उसे अकाउंटेंट रखना जरूरी नहीं क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन और गैनोग्राम वैसे ही चाहिए जो स्टैंडर्डाइज होता है सब कैसा लगता है नहीं तो जब इस तरह के सवाल आते आएंगे तो वॉट वाई हाउ इस तरह के सवाल आप करेंगे तो दीज आर द फिलोसॉफिकल क्वेश्चन

किस तरह का वेरिएंट है कौन सा प्रोडक्ट है किस तरह के लोग हैं डेमोग्राफिक क्या है जियोग्राफिक क्या है साइकोग्राफिक क्या है उसके रिलेवेंट मार्केटिंग अलग किस्म के टेस्ट आपको देगी फिर डायग्नोसिस बताएगी फिर आपको बताएगी कि इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है अच्छा डायग्नोसिस जैसे मैंने मेडिकल टर्म बता दी लेकिन होता यही है कि आपको हर एरिया के अंदर डायग्नोज करना पड़ता है और फिर आपने उसके साथ कॉज एंड इफेक्ट लगाना होता है किस चीज़ का इफेक्ट के साथ कितने कॉजेज आ रहे हैं उन सबको देखना होता है तो आपके रिजल्ट ठीक से आएंगे दिस इज हाउ वी आई मीन कैप्सुलेट द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थैंक यू वेरी मच